हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके करियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्शन मांगी गई है और हम सेट बी के लिए ऑब्जेक्शन क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप ही उनके लिए टैली कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके लिए हमें सेट बी में 29 क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर एक्शन ऑफ फोर्स वाला जिसका हमने डेरिवेटिव करना था, और इसका रेफरेंस जो हमें मिला है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है, और मॉडर्न एनालिटिक मैकेनिक्स जिसका एडिशन 2012-13 है, और पेज नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सेट बी का जो 36 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, जो ट्राइटोमिक गेंस के लिए दिया गया था। इसके लिए जो हमें रेफरेंस मिला है वो 11th क्लास की जो प्रदीप की बुक है फिजिक्स की, वॉल्यूम 2, उसका एडिशन है 10th, ठीक है। तो उसके पेज नंबर 9/20 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो 43 क्वेश्चन था, इन स्टैटिकल फिजिक्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ सिस्टम इज रिलेटेड टू, इस तरह का क्वेश्चन है वो 43 सेट बी में आप देख लेना। उसके लिए हमने रेफरेंस मिला, हमें दो रेफरेंस इसके लिए मिले हैं हमें। फर्स्ट रेफरेंस जो है वो स्टैटिकल मैकेनिक्स बाय आर के पथारिया, और जिसका सेकंड एडिशन है। और जो सेकंड रेफरेंस हमें मिला है वो स्टैटिकल मैकेनिक्स बाय सत्य प्रकाश, जिसका पेज नंबर 270 है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो 50 नंबर क्वेश्चन है फिजिक्स का, सेट बी का। वो 50 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, जो जिसकी रेशियो बतानी थी हमने, वो क्वेश्चन है ये, जो बीएससी पार्ट 3 का क्वेश्चन है मॉडर्न न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, और उसका एडिशन है 2015, पेज नंबर 10 पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन थे, जैसे 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन जो सेट बी का है वो है, फोर इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग टू डायमेंशनल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी जो दी हुई थी, वो क्वेश्चन है। उसका प्रूफ हमें मिला है वो है स्टैटिकल मैकेनिक्स बाय सत्य प्रकाश की जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर थर्मल एंड स्टैटिक फिजिक्स में है, जिसका पेज नंबर 258 है। और उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो है जेलमैन निस्जीमा फॉर्मूला फॉर क्वार्क के लिए। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ये बीएससी थर्ड पार्ट में हमें मिला है मॉडर्न न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में, जिसका एडिशन है 2015 और पेज नंबर 277-278। उसके बाद 39 क्वेश्चन है वो है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज़, तो इसका रेफरेंस हमें जो मिला है वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक से, एडिशन है 2014, और चैप्टर दिया गया है 7, और पेज नंबर 165 पे आपको मिल जाएगा, उसमें एक टेबल बना हुआ है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में एरर ये थी कि इसमें MR² जो है वो नहीं गिवन है, मींस आई थिंक इसका जो ग्रेस मार्क्स इसका मिल सकता है, तो आप ज़रूर डालिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा था इसमें, 49 क्वेश्चन, जो एक न्यूमेरिकल टाइप था सेट बी का। वो क्वेश्चन था, द वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज गिवन बाय ψ(x)=3/5 ψ1, इस तरह का जो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, उसके आंसर थे -41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन था -11/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ क्लेरिफाई नहीं हुआ था स्टेटमेंट से, और जो इनकी आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन उन्होंने मार्क किया हुआ है, लेकिन कुछ इनकोरेक्ट लग रहा है स्टेटमेंट में, क्लियर नहीं लग रहा कि क्या पूछ रहा है वो। तो ये ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें अगर आइगन वैल्यू का आंसर देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो बी ऑप्शन बनता है, अगर हम इनकी एवरेज निकालें तो उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बनता है। तो ये ऑब्जेक्शन क्वेश्चन थे फिजिक्स के लिए, आप इनकी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। आपके लिए 13 13 सितंबर तक का टाइम है। थैंक यू वेरी मच।